हीट वेव। हेलो, मैं हीट हूँ। कहाँ है मेरा वतन? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूँ आपके साथ ललिता चक्रधारी। और मैं हूँ आप सबका साथी अविनाश दुबे। हम किराने के दुकान पे खड़े थे। किराने वाले चाचा दुकान में अकेले थे। उनके सहयोगी दुकान के बाहर हवा खा रहे थे। उन्हें मदद के लिए अंदर से बुलाया गया। वो बहुत झिझकते हुए अंदर आए और आते ही अपने छत्तीसगढ़ी लहजे में बोले, तापमान बहुत भयंकर हुआ थे। यही हाल है पूरे इंडिया का। ऐसी गर्मी पड़ रही है कि सब मोमो बने घूम रहे। इस बार गर्मी को लेकर सच में कुछ अजीब बात है। इसे लेकर देश विदेश के वैज्ञानिक इतने चिंतित है कि इंग्लिश में कह रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वे इन साउथ एशिया। ये हीट वे क्या होती है? इस बार मौसम में क्या अलग हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है? आज इसी को समझने में खोपड़ी को खर्च किया जाएगा। हेलो, मैं हीट हूँ। कहाँ है मेरा वतन? गर्मी का ऐसा है कि ये सरहदें नहीं देखती। इंडिया में जो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है सो पड़ ही रही है। पाकिस्तान भी दम तोड़ रहा, क्योंकि गर्मी वीजा देखकर नहीं आती, ये जियोग्राफी देख के आती है। यहाँ अपने यहाँ के जियोग्राफिकल एरिया का नाम है साउथ एशिया। 2022 के मार्च अप्रैल और मई के चलते महीने में साउथ एशिया के कई इलाकों में ऐतिहासिक हीट वेव देखने को मिली है। कई जगहों का तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। पानी और बिजली की किल्लत मचने लगी है। हम आगे बढ़ें, उससे पहले हीट वेव का मतलब आपको बता ही देता हूं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मेरे साथियों, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अब हमारी साथी आपको बताएंगी पूरा सच हीट वेव का। अपने यहाँ IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये डेफिनेशन तय करता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। IMD के मुताबिक हीटवेव की दो डेफिनेशन है। अब ले चलता हूँ पहले डेफिनेशन की ओर। आप सिंपल परिभाषा ये है कि जब किसी जगह का तापमान इतना ज्यादा हो कि मानव शरीर के लिए घातक हो जाए, उस स्थिति को हीटवेव कहा जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल तरीका समझाया हूँ, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन ये तो रेंचो वाली परिभाषा हो गई ना। एक चतुर रामलिंगम वाली परिभाषा अब फिर मेरे साथी आपको बताएंगे। दूसरी डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है। जब किसी मैदानी इलाके में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और पहाड़ी इलाके का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाए, उस जगह पर हीटवेव की आशंका को सीरियसली लिया जाने लगता है। लेकिन हीटवेव की घोषणा करने से पहले कुछ और क्राइटेरिया जांचे जाते हैं। अब आइए क्राइटेरिया समझना चाहते हैं तो पहली क्राइटेरिया सुन, फॉर्म नॉर्मल पर आधारित, डिपार्चर फॉर्म नॉर्मल पर आधारित। देखा जाता है कि पिछले 30 सालों में नॉर्मल तापमान से कितना ज्यादा तापमान है। अगर नॉर्मल से 4.5 सेल्सियस या ज्यादा तापमान बढ़ा है तो वो हीट वेव मानी जाती है। नॉर्मल से 6.4 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ने पर सीवियर हीट वेव मानी जाती है। सीवियर यानी वो भी ज्यादा खतरनाक हीट वेव। दूसरा क्राइटेरिया एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर पर आधारित है। अगर किसी जगह का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो उसे हीटवेव मान लिया जाता है। अगर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो तो सीवियर हीटवेव मानी जाती है। अब डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। इन दोनों में से अगर कोई भी स्थिति किसी मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के दो स्टेशन पर लगातार दो दिन दिखती है तो IMD यह मान लेता है कि हीटवेव की घोषणा कर दी जाए, पूरे देश को बता दिया जाए, पूरे भारतवर्ष को बता दिया जाए कि आ गया हीटवेव, सावधान हो जाइए। इंडिया इक्वेटर के उत्तरी इलाकों में थोड़ी यूनिक जगह है। बाकी सब जगह तापमान अपने उरुज पर जुलाई अगस्त के महीनों में पहुंचता है, लेकिन भारत में अधिकतम तापमान मई में देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद मानसून आ जाता है और बारिश माहौल को ठंडा कर देती है। इंडिया में हीटवेव कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी आती रही है, लेकिन हर बार हीटवेव मई के महीने में एक्सट्रीम होती है। इस बार मार्च अप्रैल में ही रेलम्पेल चालू हो गई। 2022 का मार्च पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गया और ये अब तक का सबसे ज्यादा गर्म मार्च साबित हुआ। अप्रैल 2022 ने गर्मी के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। मई तो बरपा ही रहा है अपना कहर। अब आप पूछेंगे कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? इसका स्पेसिफिक घटना का जवाब विंड पैटर्न में छुपा होगा, यानी हवाओं के बहने के तरीके में। वैसे कई सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन अगर किसी एक को पिन पॉइंट करना हो तो वो होगा ला नीन्या। ला नीन्या, अब आप सोच रहे होंगे क्या है, जरा इसको भी समझा देता हूँ। ला नीन्या महासागरों में होने वाली एक घटना है।
इसके कारण पश्चिमी अमेरिका से गर्म पानी पूर्वी एशिया की तरफ बहता है, नतीजन दुनिया भर में घूमने वाली हवाएं प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हीटवे को ला नीना में होने वाले डिस्टर्बेंस से समझा जा सकता है। इससे भारत में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है और गर्म हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर एक तरीके से फंस कर रह गई है। इसके अलावा आर्कटिक से आने वाली हवाओं ने भी इसे सहयोग लगातार प्रदान करते रहा है। फिर ना कहना बताया नहीं, साइंस का सत्य। आइए जरा अब पूरी तरीके से साइंस पर चल पड़ते हैं और उसी कदमों पर चलते हुए जरा साइंस की भाषा में समझते हैं कि आखिरकार ये हीट वेव क्यों बढ़ा। ये तो इस स्पेसिफिक गर्मी के कारण हुआ है, लेकिन ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। वैज्ञानिक मरियम जकारिया ने द गार्जियन को बताया, मानव गतिविधियों से वैश्विक तापमान बढ़ने से पहले हमें करीब 50 सालों में भारत में इस महीने की शुरुआत में इस तरह की गर्मी देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये आम बात हो गई है। हमें हर 4 साल में इस तरह के बढ़े हुए तापमान देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। कितने सालों में मेरे साथी? 4 सालों में। इसके बारे में वैज्ञानिक कई सालों से चेता रहे हैं। MIT के वैज्ञानिकों ने 2017 में एक स्टडी प्रकाशित की थी। इसमें समझाया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण इस सदी में साउथ एशिया को घातक हीट वेव का सामना करना होगा और जो देखने को भी मिल रहा है। ये जो हो रहा है ये ट्रेलर है दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान हुआ है, मतलब करीब 200 साल पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से भयंकर ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जाने लग गई है। इसके कारण अब तक 1 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा तापमान बढ़ गया है। सुनने में आ रहा है इसी तरह चलता रहा तो 2040, हाँ सही सुन रहे, 22 चल रहा है, 40 तक सिर्फ 2040 तक 0.5 डिग्री और तापमान बढ़कर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा। सब इसी रफ्तार से चलते रहा तो इस सदी के अंत तक ये आंकड़ा 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एक हालिया स्टडी पर नजर डाली, ये स्टडी बताती है कि 2 डिग्री सेल्सियस की एक्स्ट्रा वार्मिंग से साउथ एशिया के लोगों को 3 गुना ज्यादा हीट स्ट्रेस झेलना पड़ा। भारत की बढ़ती जनसंख्या और इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन आदि के चलते हवा से ज्यादा प्रदूषित कण छोड़े जा रहे हैं। ये कण सूर्य की रोशनी को आंशिक रूप से ब्लॉक करते हैं और इनकी डायरेक्टली जमीन पर गिरने में बाधा बनते हैं। इसलिए फिलहाल उतनी हीट नहीं बढ़ रही है। दूसरी चीज ये है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय खेती में सिंचाई की मात्रा जो बढ़ी है, इससे होने वाली वाष्पीकरण का माहौल कूल बनाते दिख रहा है। शायद यही कारण है कि थोड़ी बहुत राहत की सांस हम ले पा रहे हैं। लेकिन हमको कभी न कभी तो प्रदूषण कम करना ही है, क्योंकि प्रदूषण से दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है और लार्ज स्केल पर ग्लोबल वार्मिंग तो होती ही है। जब प्रदूषण कम होगा तो ये गर्मी और बढ़ जाएगी, तो ये क्लाइमेट चेंज और भारतीय गर्मी की रही पूरी कहानी। अब करे तो करे क्या, आखिरी में सभी से क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस होने की अपील है। एग्जाम की एक रात पहले पढ़कर पास होने वाली एटीट्यूड हमें त्यागनी होगी। अपने नेताओं से इसे लेकर सवाल करने होंगे। हमें कोशिश करनी होगी कि जलवायु परिवर्तन भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बने। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, गली मोहल्ले के लेवल पर जो हो सकता है वो सब हमें करना होगा, नहीं तो हमें भुगतना ही है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही सहजता के साथ समझाया कि आखिरकार हीट वेव क्या है, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है और आने वाले समय में कितना घातक हो सकता है, ये तो आप आज जान ही लिए। सो दोस्तों, हमारे सभी दर्शकों, आज आपने जो देखा, सतर्क हो जाइए और अपने अपने आसपास के वातावरण को बचाइए। और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।